कैमूर जिले के सभागार कक्ष में जल जीवन हरियाली के तहत पदाधिकारियों की बैठक हुई। बिहार सरकार के परिवहन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार निराला ने बैठक में लिया भाग, जिसमें 5 एकड़ से अधिक जगह वाले पोखर पाइप सहित कई योजनाओं को किया गया चयनित। जानकारी देते हुए जिले के प्रभारी मंत्री संतोष निराला ने बताया कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत बैठक हो रही है, जो 5 एकड़ से ऊपर की योजनाएं हैं, तालाब पोखर, उन तमाम योजनाओं को चयनित किया जा रहा है, आगे इस पर काम हो। जल जीवन हरियाली के तहत पूरे बिहार में आहर, पोखर, तालाब, इन सब का जीर्णोद्धार करना है, पेड़ पौधे बड़े पैमाने पर लगाना है, जिसके तहत 9 अगस्त को पूरे बिहार में 2.5 करोड़ पेड़ लगाया गया। जिले में जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है लोगों को जागरूक करने का काम हो या पेड़ पौधे लगाने का काम है, हर क्षेत्र में प्रशासन ने अच्छा काम किया है। राम जी गुप्ता की रिपोर्ट कैमूर से। आज जो है जल जीवन हरियाली योजना के तहत ये 5 एकड़ से ऊपर योजना है, तालाब है, पोखरा है, 5 एकड़ से ऊपर, उन तमाम योजनाओं को आज चयनित किया गया, सूचीबद्ध किया गया, आगे इस पर काम हो। और आप सब जानते हैं कि जल जीवन हरियाली के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में आहर, पोखर, तालाब, पानी सभी का जीर्णोद्धार कराना है, पानी को, जल को संरक्षित करना है, और उसके साथ साथ जो पेड़ पौधे लगाने हैं बड़े पैमाने पर, अभी देखिए आप 9 अगस्त जो है 2.5 करोड़ और पेड़ लगाए, तो सारा का सारा जो प्राकृतिक हम सबों से मानव से दूर भागती जा रही है, तो प्राकृतिक कैसे मानव की समीप मिलेगी, कैसे जमीन पर आएगी, कैसे जल मिलेगा, और इसके लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की और उस पर काम भी हुआ और आगे भी काम होगा, और उसी योजनाओं के तहत 5 एकड़ से ऊपर के तालाब पोखर को हम लोगों ने आज चयन किया। अच्छा, आप कैमूर के प्रभारी मंत्री भी हैं, कैमूर वासियों से आपका क्या आग्रह होगा वृक्षारोपण को लेकर? देखिए, कैमूर वासियों से तो बराबर आग्रह हम लोग किया कि करते आए हैं, कई कार्यक्रमों में हम लोगों ने आग्रह किया, और यहाँ का जिला प्रशासन भी बहुत अग्रणीय भूमिका निभाया है, पूरे के पूरे या पौधारोपण का कार्यक्रम हो, जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम हो, किसी प्रकार से जागरूकता लाना हो, तो समाज के अंतिम पैदान तक बैठे हुए सभी लोगों के प्रति जागरूकता लाकर और सरकारी योजनाओं को जमीन पर पहुँचाने का काम किया है। प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तमाम जो लक्षित योजनाएं समाज हित में चलाई गई उसको जमीन पर पहुँचाने का काम कैमूर जिला प्रशासन।